हरदम पूछा ये जाता है कि क्या हम अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या हम हमारी सफलता से खुश हैं। तो हमेशा उत्तर मुझे मिलता है अपने अंदर से, जब मैं पूछता हूँ खुद को तो इसका उत्तर आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि हर कोई इंसान सही नहीं होता। और मैं आसपास देखता हूँ, जब हर कोई इंसान सही कर रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं, सभी तो ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी इंसान, सभी इंसान सही नहीं होते, मतलब झूठे, सभी इंसान सही होते, मैं गलत होता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ गहराई से, तो उनके भी कभी ना कभी कोई ना कोई समय पे वो अपने काम को गलतियाँ कर चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने ये तय कर चुका होता है कि जो कुछ भी गलती मैंने की है अपनी ज़िंदगी में, उसको तोड़ मरोड़ कर, उस सभी चीज़ों को सामना करते हुए, उसकी फल को भुगतते हुए, मैं अभी उससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकता हूँ। हो भी जाए, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को सुधारने की प्रचेष्टा जरूर करूँगा। और उसी चीज़ ही उन्हें बेहतर दिन प्रतिदिन करता किया करता जाता है। मैं एक एक्टर की बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल है मुझे कि पहचान में है, वो जब इंडस्ट्री में आया था, उन्हें उन्हें ज़्यादा स्वीकारा नहीं गया उनके लुक के वजह से। लेकिन एक दिन आया जब उन्होंने अपने लुक के ऊपर ऐसा काम किया कि आज वो एक अपने ओजन के, अपने स्तर के उच्च कोटि के एक्टर हैं। उनके नाम नहीं नहीं लेना चाहूँगा फॉर श्योर, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर्स में रही, वो काबिले तारीफ है। ही इज़ द बेस्ट लीडिंग एक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री। लेकिन पहले जब उन्हें आया था, उनकी पहली फिल्म शायद, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे अपने लुक्स को लेके। मैं उन्हें पूछा कि क्यों आप इस तरह बदल चुके हैं, वो आपकी पहले लुक्स तो ऐसे नहीं थे। उन्होंने बोला स्माइल करते हुए कि मुझे वो क्रिटिसाइज सभी मुझे अच्छी लगी, आई लव टू गेट फीडबैक राइट और बैड और फॉल्स, अच्छे या बुरा। तो उनकी जो एटीट्यूड है मुझे प्रेरित करती है कि कितना ज़्यादा मेहनती वो हो गए। पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी डेली जिमिंग जाते थे, डेली अपने वो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते थे, अपने आप को हर दिन वो मिरर में देखकर बोलते थे कि मैं बदलूँगा। और वो सच में ये करते थे, मैं देखा हुआ है। और 1 साल 1.5 साल के बाद जो उनकी सेकेंड फिल्म आई, वो हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी द इंडस्ट्री पार्ट, आई फील सैड फॉर यू कि कभी आपको लगे कि आप एक नेगेटिव रास्ते में जा रहे हो, तो इट्स ओके टू गेट दैट। अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, मुझे आप सभी को स्टे फाइट।